ओके स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? यस मैम। यस मैम। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग यस्टरडेज टॉपिक यू कैन आस्क मी। नो मैम, नो प्रॉब्लम। ओके, तो कल हमने ये कबीर वाला जो टॉपिक है ये स्टार्ट कर दिया था, वीविंग अ डिवाइन फैब्रिक। यही कंटिन्यू करना है। काफी सारे अलग अलग ट्रेडिशंस जो हैं उन्होंने कोशिश करी है लेकर के समझाने की अल्टीमेट रियलिटी को, कि अल्टीमेट रियलिटी क्या है, क्यों है, कैसे है, किस किस तरीके से है। इस तरह के सवालों को ढूंढने की कोशिश करी है जितने भी संत हुए उन्होंने, और उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसमें कबीर जी के बारे में पढ़ रहे हैं बेसिकली। ऑल्सो स्ट्राइकिंग इज द रेंज ऑफ ट्रेडिशंस कबीर ड्रू ऑन द डिस्क्राइब द अल्टीमेट रियालिटी। अलग अलग ट्रेडिशंस जो उन्होंने समझाने की कोशिश करी है अल्टीमेट रियालिटी के कॉन्सेप्ट को लेकर के। दीज इंक्लूड इस्लाम, ही डिस्क्राइब द अल्टीमेट रियालिटी इज अल्लाह, खुदा, हजरत एंड पीर। अब इस्लाम के ट्रेडिशन को लेकर के उन्होंने समझाने की कोशिश करी है कि अल्टीमेट रियालिटी क्या है। अल्लाह है, खुदा है, हजरत है और पीर है, ठीक है, अलग अलग जो टर्म्स दी गई हैं। ही ऑल्सो यूज्ड टर्म्स ड्रॉन फ्रॉम वेदांतिक ट्रेडिशंस। अब वैदिक जो ट्रेडिशन रहा है उससे भी इन्होंने कोशिश करी है अल्टीमेट रियलिटी को समझाने की। अलख यानी कि डांसिंग, जो देखा ना गया है, निराकार, फॉर्मलेस, जिसका कोई आकार नहीं है, ब्राह्मण, आत्मन एक्सेट्रा, ये सारी टर्म्स जो है ये यूज करी है इन्होंने वेदांतिक ट्रेडिशन से। अदर टर्म्स विद मिस्टिकल कनोटेशन सच एज शब्द, साउंड और शून्य, emptiness, were drawn from yogic traditions. फिर योगिक ट्रेडिशन से मैंने दो शब्द निकाले हैं, ठीक है, दो तरीके से समझाया है। पहला शब्द यानी कि साउंड, और शून्य यानी कि emptiness, यानी कि खालीपन जो होता है एक तरीके से, उसको ये योगिक ट्रेडिशन से समझाने की कोशिश करी है। सारे ही जो अलग अलग ट्रेडिशन से इन्होंने अलग अलग चीजें समझाई हैं, उसका रीजन सिर्फ एक है कि अल्टीमेट रियालिटी क्या है, वो इन सब सारे शब्दों के अंदर आपको समझने का एक जरिया दिया है, ठीक है। समझ में आया इस पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत? नो मैम, नो प्रॉब्लम। ओके, डाइवर्स एंड समटाइम्स कंफ्लिक्टिंग आइडियाज आर एक्सप्रेस्ड इन दीज पोम्स। अब जो इन्होंने कविताएं लिखी है उसमें आपको विविधता तो देखने को मिलेगी, और कई बार एक दूसरे अलग अलग ट्रेडिशन के जो आइडियाज है वो एक दूसरे के साथ में ओवरलैप या कंफ्लिक्टिंग आइडियाज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। Some poems draw on Islamic ideas and use monotheism and iconoclasm to attack Hindu polytheism and idol worship. Others use the Sufi concept of zikr and ishq to express the Hindu practice of naam smaran, remembrance of God's name. अब basically आपको ये जो poems लिखी हुई हैं यहाँ पर, उसके अंदर ये बताया गया है कि किस किस तरीके से अलग अलग tradition के अंदर अलग अलग चीजें होती थी, ठीक है। अब कुछ आइडियाज, कुछ पोम्स जो है वो ये बताती है कि कैसे हमें एक ईश्वर के अंदर बिलीव करना चाहिए, मोनोथिज्म, ठीक है, यानी कि किस तरीके से हमें जो भगवान है इस्लामिक आइडियाज को देकर लेकर के देखा जाए तो अल्लाह जो है वो एक है, ठीक है, और बेसिकली एक फिगर है या एक तरीके से सिग्निफाइड चीज है जो इस चीज को यूज करते हुए बताई है, ठीक है। लेकिन यही चीज देखी जाए तो वो किस पे अटैक करने वाली चीज हो जाएगी, वो बेसिकली जो हिंदुओं का एक तरीके से जो उनका तरीका है भगवान को याद करने का या उस चीज को फॉलो अप करने का, उस पर। अब यहाँ पे तो ये लोग मानते हैं कि इस्लाम के अंदर तो कि अल्लाह एक है, ऊपर वाला एक है, खुदा एक है, और फिर उसके बाद में एक ही फिगर है और उसको हमें पूजना है या जो भी अर्चना करनी है अपनी, उस तरीके से। और हिंदुओं के अंदर क्या है, पॉलिथिज्म, यानी कि भगवान एक नहीं, एक से ज्यादा है, मोर देन वन गॉड, ठीक है, बहुत सारे देवता देवी हैं यहाँ पर। तो इस इनकी जो पोम्स हैं यानी कविताएं हैं उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कंफ्लिक्टिंग आइडिया जो हमने ऊपर पढ़ी थी वो चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी। आइडल वर्शिप यहाँ पे की जाती है, यानी कि मूर्ति पूजा की जाती है, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो जिक्र और इश्क का, जहाँ पे हिंदू प्रैक्टिस जो है नाम स्मरण वो आपको मिलता हुआ मिलेगा, यानी कि ये जो अपना सूफी कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे ये जिक्र और इश्क करते हैं, यानी कि एक्सप्रेस करते हैं अपनी भावनाओं को, ठीक है। वो कोई सा भी तरीका हो सकता है, गा करके या पुकार करके, उस तरीके से वो चीज कहीं ना कहीं रिजेंबल करती है किससे,
हिंदू प्रैक्टिस है, जहाँ पे यहाँ पे हम नाम स्मरण यानी कि भगवान का नाम लेकर के हम जो चीज करते हैं, चांटिंग जिसे कहते हैं, मंत्रोच्चारण जो किए जाते हैं, उससे कहीं ना कहीं सिमिलर है। तो दोनों ही चीजें देखने को मिल रही है, अलग अलग आइडियाज आपको मिल रहे हैं और अलग अलग जगहों पर, सॉरी अलग अलग ट्रेडिशंस का कहीं कहीं एक कुछ हद तक चीज सिमिलर भी देखने को मिल रही है। ठीक है, इसी चीज को इनकी पोम्स के अंदर देखा गया है, यानी इनकी कविताओं के अंदर भी देखा गया है। पर ऑल दीज कम्पोज्ड बाय कबीर। अब क्वेश्चन उठता है, क्या ये सारी जो कविताएं हैं ये कबीर के द्वारा ही लिखी हुई हैं? वी मे नेवर बी एबल टू टेल विद सर्टेनिटी, ऑल्दो स्कॉलर्स हैव ट्राइड टू एनालाइज द लैंग्वेज स्टाइल एंड कंटेंट टू एस्टैब्लिश व्हिच वर्सेस कुड बी कबीर्स। हम इस सवाल का जवाब कभी सर्टेनिटी के साथ में, यानी कि श्योरिटी के साथ में नहीं दे सकते, भले ही स्कॉलर्स जिन्होंने काफी कोशिश करी है लैंग्वेज को समझने की, स्टाइल को समझने की, किस तरीके से ये कॉन्टेंट लिखा हुआ है उसको समझने की, और कौन सी चीज किस तरीके से कबीर की लिखी हुई है उसको समझने की। ठीक है, व्हाट दिस रिच कॉर्पस ऑफ वर्सेस आल्सो सिग्निफाइज इज दैट कबीर वाज एंड इज टू बी प्रेजेंट अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर दोज हु क्वेश्चन इंट्रेंच्ड रिलीजियस एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस इन देयर सर्च फॉर द डिवाइन। अब जो चीज हम समझ सकते हैं बेसिकली वो ये है, इस जो रिच कॉर्पस हमें मिला हुआ है जिसमें अलग अलग हमें एक तरीके से जत्था मिला हुआ है चीजों का, ठीक है, कि ये जो जितने भी इनके वर्सेस लिखे हुए हैं, जितनी भी चीजें हमें दिखी मिली हुई है इनकी, उससे हमें सिर्फ एक चीज समझ में आती है जो उस समय भी लोगों को सिग्निफाई कर रही थी, यानी बता रही थी, और आज भी यही बता रही है कि ये क्या है, एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, जहां पर इस क्वेश्चन का जवाब जो है कि भाई कैसे हमें रिलीजियस या सोशल इंस्टीट्यूशन के तहत या आइडियाज और प्रैक्टिस के तहत सब लोग क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आध्यात्मिक पावर जो है उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अध्यात्म से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों ही पैराग्राफ्स के अंदर किसी को कोई दिक्कत आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैम ये सतीन सेकेंड पैराग्राफ के अंदर जितनी भी कबीर से रिलेटेड पोम्स हैं वो क्या वाकई में कबीर के द्वारा लिखी हुई हैं, उस चीज के बारे में जिक्र किया गया है, बताया गया है कि स्कॉलर्स ने पूरी कोशिश करी है इन सारी कविताओं की लैंग्वेज को समझने की, किस स्टाइल में ये कविताएं लिखी गई हैं उसको समझने की, क्या क्या मुद्दे पर ये चीज लिखी गई है उसको समझने की, और कहीं ना कहीं फिर हमें कुछ आइडिया मिलता है जिनको इन्होंने सम अप किया है कि हाँ ये कबीर के द्वारा ही लिखी गई है, या उनका जो आइडिया है उसको बताते हुए हैं। अब कैसे है बेसिकली ये चीज बोली गई है कि जितना भी हमें ये कविताओं का कॉर्पस मिला है, ठीक है, ये जो एक अच्छी चीज मिली हुई है, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, जितनी भी वर्सेस इसमें लिखे हुए हैं, कविता लिखी हुई है, उनको पढ़ने के बाद और उनको समझने के बाद और पूरी तरीके से एनालिसिस करने के बाद में हमें यही समझ में आता है, जो बेसिकली ये दर्शा रहा है कि कबीर ने जहाँ पे भी जिस भी ट्रेडिशन से रिलेटेड चीजें लिखी हैं उसके अंदर सिंपली ये एक सोर्स है इंस्पिरेशन का, इन लोगों को इंस्पायर करने का कि भाई धर्म के नाम पे कुछ अपनी आइडियाज हो, प्रैक्टिसेस हो, या कोई सामाजिक इंस्टीट्यूशंस के नाम पे कोई चीज बताई गई हो, सब अलग अलग धर्म हो, अलग अलग ट्रेडिशन हो, सब भूल तो सिर्फ एक अल्टीमेट रियलिटी ही रहे हैं, वो सब लोग इस चीज को ढूंढने के लिए ही अपनी तरह से अलग अलग प्रयत्न कर रहे हैं, अलग अलग एफर्ट्स लगा रहे हैं, और उनको ढूंढना क्या है, वही डिवाइन जो चीज है उसको ही ढूंढ रहे हैं, डिविनिटी को ढूंढ रहे हैं, अध्यात्म जो है उसी की तलाश में लोग बाग अपने अपने तरीके से लगे हुए अलग अलग ट्रेडिशन के अंदर। इस चीज का एक ये इंस्पिरेशन के तौर पर देखा गया है और बताया गया है, समझ में आया? ढूंढ तो वो सब भगवान को ही रहे हैं। Yes, ma'am. Thank you. Okay. Just as Kabir's ideas probably crystallized through dialogue with debate, explicit or implicit, with the traditions of Sufis and in yogis in the region of Awadh, part of the present-day Uttar Pradesh, his legacy was claimed by several groups who remembered him and continue to do so. अब जो कबीर के आइडियाज हैं वो प्रॉपरली क्या है, जो उनके क्रिस्टलाइज्ड, यानी कि एक तरीके से
उनकी जो भी आइडियाज थे वो डायलॉग फॉर्म में है या डिबेट फॉर्म में है, ठीक है, एक्सप्लिसिट क्लियरली या इम्प्लिसिट अनक्लियरली, एक तरीका जो है, जो ट्रेडिशंस जुड़े हुए हैं सूफीज या योगीज के, ठीक है, जो बेसिकली कहाँ का एरिया है, अवध पार्ट से रिलेटेड है, जो अवध कहाँ है वो आज के उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, ठीक है, उस रीजन से जुड़े हुए हैं, यानी कि इनकी जो भी बातें कही गई है वाद विवाद के थ्रू या डायलॉग्स के थ्रू, ठीक है, क्लियरली या इनडायरेक्टली, वो बेसिकली जो अलग अलग उनके ट्रेडिशन इन्होंने ली है, वो सूफीज हो या योगीज हो, उनके ट्रेडिशन हो, वो बेसिकली कौन से एरिया को बिलोंग करते थे, अवध हिस्से को बिलोंग करते थे, जो आज का हमारा उत्तर प्रदेश के अंदर है अवध वाला एरिया, ठीक है। और ये कई सारी ये जो लेगेसी है, ये जो काफी समय से चली हुई आ रही चीज है, ये अलग 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 ग्रुप्स जो हैं वो क्लेम करते हैं कि नहीं वो हमारे उसके थे और उस चीज को ये हमारे ट्रेडिशन से लिया हुआ है, या हमारी तरह के लोगों के बीच में वो रहते थे या अलग अलग तरीके से उस चीज को फॉलो अप करते थे। तो कई सारे लोग हैं इस चीज को वो क्लेम करते हैं, जो उन्हें याद कर रहे हैं और आगे भी याद करते रहेंगे, ये बताया गया है, ठीक है, कि आइडियाज जो उन्होंने लिए थे वो बेसिकली वो हमारे को बिलोंग करते थे, हमारे स्थल को बिलोंग करते थे और हमारे तरह के लोगों के बीच में रहते थे और यहीं से उन्होंने इस तरह की चीज को डेवलप किया है, ये मानना है उनका। दिस इज मोस्ट एविडेंट इन लेटर डिबेट्स अबाउट वेदर ही वॉज अ हिंदू और अ मुस्लिम बाय बर्थ, डिबेट्स दैट आर रिफ्लेक्टेड इन हेगियोग्राफीज। अब क्या है, ये ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर भी काफी ज्यादा वाद विवाद हुआ है कि भाई वो बाय बर्थ हिंदू थे या मुस्लिम थे, यानी कि उनका जन्म जब हुआ था तब क्या वो हिंदू फैमिली में जन्मे थे या मुस्लिम फैमिली में जन्मे थे। इन सारे वाद विवादों का जो हमें ग्लिम्स मिला, एक झलक मिली है, वो जितनी भी ये हेजियोग्राफीज हैं उनके अंदर से मिला है। मैनी ऑफ दीज वर कम्पोज्ड फ्रॉम द 17th सेंचुरी ऑनवर्ड, जो कई सारी चीजें जो है ये कब लिखी गई है, 17th सेंचुरी के से लिखी गई है, अबाउट 200 ईयर्स आफ्टर कबीर्स लाइफ टाइम। और ये 17th सेंचुरी के अंदर जब लिखी गई है तब उनकी डेथ को, यानी कि उनकी लाइफ खत्म हो गई थी, उस चीज को 200 साल हो गए थे, तो 200 साल बाद लोगों ने लिखना शुरू करा इनके बारे में। हेजियोग्राफीज विद इन द वैष्णवा ट्रेडिशन अटेम्प्टेड टू सजेस्ट दैट ही वाज बोर्न अ हिंदू कबीर दास, कबीर इटसेल्फ एन अरेबिक वर्ड मीनिंग ग्रेट, but was raised by a poor Muslim family belonging to the community of weavers or julahas who were relatively recent converts to Islam. अब इस चीज को अच्छे से समझ लेना है और साथ साथ याद कर लेना है। कई बार एक्सटर्नल जो है वो सिंपली आकर के कबीर से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछेगा उसमें ये पूछ सकते हैं वो कि भाई कबीर जो थे वो बेसिकली क्या थे बाय बर्थ। तो ये माना जाता है जितनी भी हेजियोग्राफीज मिली हैं वैष्णव ट्रेडिशन के अंदर, उसमें ये सजेस्ट किया गया है कि वो बाय बर्थ तो हिंदू थे। कबीरदास, कबीर का मतलब होती है एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है ग्रेट, लेकिन उनको एक गरीब मुस्लिम फैमिली ने उनकी परवरिश करी है, जो कम्युनिटी थी, सॉरी जो फैमिली थी वो बुनाईकार की जो कम्युनिटी होती है, जो बुनाई करते हैं चीजों की, झूलाज बोला जाता है जिनको, बेसिकली वहां से बिलोंग करते थे वो लोग, और जिनको रिसेंटली वो उन्होंने अपने आप को इस्लाम का जो वो है उसमें कन्वर्ट हुए थे, यानी कि इस्लाम धर्म को उन्होंने अपनाया था। समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत? स्टूडेंट्स आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? यस मैम। ओके, कहाँ तक सुना आप लोगों ने? हम कबीरदास तक बताया था आपने। कबीरदास जी का जन्म जो है वो एक हिंदू फैमिली में हुआ था और उनका नाम कबीर जो है लिया गया है, कबीर इटसेल्फ ये अपने आप में एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है ग्रेट। इनको इनकी परवरिश एक गरीब मुस्लिम फैमिली ने करी है जो बुनाईकारों की कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और जिन्होंने रिसेंटली इस्लाम अपनाया था। दे ऑल्सो सजेस्टेड दैट ही वॉज इनिशिएटेड इन टू भक्ति बाय अ गुरु परहैप्स रामानंदा। आगे जाके ये भी हमें सुनने को मिलता है कि भाई पता पड़ता है कि उन्होंने धीरे आगे आगे जाकर के भक्ति करना शुरू करा था और उनके जो गुरु रहे थे वो उस समय में रामानंदा जी जो है वो रहे थे, ठीक है, उनको देख करके उनकी शरण में आने के बाद में, उनके कांटेक्ट में आने के बाद में इन्होंने भक्ति करना शुरू करा था।
However, the verses attributed to Kabir use the word Guru and Sadguru, but do not mention the name of any specific preceptor. हालांकि इनके जो उन्होंने जितने भी वर्सेस लिखे हैं कबीर को जो बिलोंग करते हैं उसके अंदर उन्होंने गुरु और सदगुरु नाम शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन पर्टिकुलर किसी एक पर्टिकुलर गुरु या टीचर की तरफ इन्होंने नाम मेंशन नहीं किया है. हिस्टोरियंस हैव पॉइंटेड आउट दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश दैट रामानंदा एंड कबीर वर कंटेम्पोरीज विदाउट असाइनिंग इम्प्रोबेबली लॉन्ग लाइफ टू ईदर और बोथ. अब इतिहासकारों का मानना यह है कि बहुत डिफिकल्ट है एक रिलेशन मेंटेन करना है बताना रामानंदा और कबीर के बीच में, क्योंकि दोनों का जो लाइफ लॉन्ग वो रही है चीजें वो बिल्कुल अलग अलग रही हैं. सो व्हाइल ट्रेडिशंस लिंकिंग द टू कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एट फेस वैल्यू दे शो हाउ इम्पोर्टेंट द लेगेसी ऑफ कबीर वॉज फॉर लेटर जनरेशन. इसीलिए किसी पर्टिकुलर ट्रेडिशन को लिंक करते हुए ये बोलना कि दोनों के बीच में कोई लिंक है, उस चीज को हटाते हुए लोगों ने इस चीज पर उस चीज को इम्पोर्टेंस दी है कि कैसे इनकी जो लेगेसी है कबीर की वो आने आगे आती ही जो जनरेशन है पीढ़ियां हैं उन तक कैसे वो मेंटेन्ड है. समझ में आया इस इन दो तीन पैराग्राफ्स के अंदर? किसी को कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं. नो मैम. ओके, तो कबीर वाली जो चीज है ये कंप्लीट हो गई, ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया. अब है बाबा गुरु नानक एंड द सेक्रेट वर्ड. बाबा गुरु नानक 1469 में इनका जन्म हुआ, 1539 में इनकी मृत्यु हुई. वाज बोर्न इन अ हिंदू मर्चेंट फैमिली इन अ विलेज कॉल्ड नानकाना साहेब नियर द रिवर रावी इन द प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम पंजाब. इस चीज को मार्क कर लीजिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है कि बाबा गुरु नानक जो है उनका जन्म हुआ था 1469 में और उनकी डेथ हुई थी 1539 में. वो एक हिंदू मर्चेंट फैमिली के अंदर उनका जन्म हुआ था जो कि एक विलेज था, जो एक विलेज में रहते थे और वो विलेज का नाम था नानकाना साहेब जो रावी नदी के किनारे बसा हुआ था. और बेसिकली वहां पर मुस्लिम, बेसिकली जो प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम पंजाब एरिया रहा है जहाँ पे मुस्लिम फैमिली ज्यादा रहती थी उस एरिया में था. ही ट्रेन टू बी एन अकाउंटेंट, ये एक अकाउंटेंट थे ठीक है. एंड स्टडीड पर्शियन, और इन्होंने पढ़ाई करी थी पर्शियन की ठीक है. ही वॉज मैरिड एट अ यंग एज बट ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम अमंग सूफीज एंड भक्तास. इनकी जल्दी ही उम्र में, छोटी उम्र में शादी हो गई थी और ये अपना ज्यादा से ज्यादा समय जो है सूफीज और भक्तास जो थे उनके साथ में बिताते थे. ही ऑल्सो ट्रेवल्ड वाइडली, और इन्होंने खूब ट्रेवल किया है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते रहते थे. द मैसेज ऑफ बाबा गुरु नानक इज स्प्लिट आउट इन हिज हाइम्स एंड टीचिंग्स. और इनका जो मैसेज था बाबा गुरु नानक का, इनकी लिखी हुई जितनी भी कविताएं हैं, भजन है सॉरी, उनमें और इनकी जो भी इन्होंने शिक्षाएं दी उनमें आपको देखने को मिलेगा अच्छे से. दीज सजेस्ट दैट ही एडवोकेटेड अ फॉर्म ऑफ निर्गुण भक्ति. अब ये सारे जो इनके हाइम्स और टीचिंग्स जो है उसमें ये बेसिकली ये आइडिया समझ में आता है कि ये निर्गुण भक्ति को वकालत किया करते थे, उसकी मतलब एज इन की उसको सपोर्ट किया करते थे निर्गुण भक्ति को. He firmly repudiated the external practices of the religions he saw around him. और ये पूरी तरीके से reject करते थे एक तरीके से जो भी बाहर की external practices देखते थे दूसरे धर्मों की, उस चीज को ये पूरी तरह से नकार दिया करते थे जो भी इन्होंने अपने आसपास देखा. He rejected sacrifices, ritual baits and image worship, austerities in the scriptures of both Hindu and Muslims. अब हिंदूज हो या मुस्लिम्स हो, दोनों के अंदर ही जो बलि दी जाती है या जो रिचुअल बेस यानी कि स्नान कराए जाते हैं या मूर्ति पूजा या फिर एक डिसिप्लिनरी लाइफ जो है या स्क्रिप्चर्स जो लिखे गए हैं हिंदूज और मुस्लिम, ये पूरी तरह से रिजेक्ट करते थे उस चीज को. फॉर बाबा गुरु नानक द एब्सोल्यूट और रब हैज नो जेंडर और फॉर्म. इनका मानना ये था कि द एब्सोल्यूट यानी कि जो रब है यानी जो ऊपर वाला है उसका कोई जेंडर नहीं है, उसकी कोई फॉर्म नहीं है. He proposed a simple way to connect to the divine by remembering and repeating the divine name, expressing his ideas through hymns called Shabd in Punjabi. इनका मानना ये था कि सिंपल तरीका है ऊपर वाले से कनेक्ट करने का कि उनको याद करो, रिपीट करो उनका नाम ठीक है. इन्होंने अपने आइडियाज एक्सप्रेस करे हैं अपने भजनों के अंदर जिसका जिसको बोला जाता था शब्द पंजाबी के अंदर लैंग्वेज की उस रीजन की, क्योंकि ये हमने जैसे शुरुआत में ही पढ़ा था प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम पंजाब था तो वहां की जो लैंग्वेज थी उसी के अंदर उन्होंने बताया. बाबा गुरु नानक वुड सिंग दीज कंपोजिशंस इन वेरियस रागस व्हाइल हिज अटेंडेंट मर्दाना प्लेड द रबाब.
इनके जो बाबा गुरु नानक हैं वो गाते थे अलग अलग कॉम्पोजिशंस अलग अलग रागों में, और इनका जो अटेंडेंट था जो इनका फॉलोअर था, एक तरीके से मर्दाना नाम दिया गया है, मर्दाना प्लेड द रबाब, और एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है रबाब, वो बजाया करते थे और ये गाया करते थे। समझ में आया किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे, आज हम इतना ही करेंगे। इनके बारे में हम कल और अच्छे से पढ़ेंगे और आपको पता पड़ेगा कि कैसे ये एस्टैब्लिश हुआ, ये रिलीजन जो है सिख रिलीजन वो कैसे एस्टैब्लिश हुआ, और ये क्या उस रिलीजन को एस्टैब्लिश करना चाहते भी थे या नहीं, या इनके आगे जाके जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने एस्टैब्लिश करा, क्या क्या चेंजेस आए और क्या क्या प्रैक्टिसेस जो हैं वो अपनाई गई, किस तरह के हाइम्स लिखे गए और कौन कौन से रिलीजियस पोएट्स हुए जिन्होंने इनके बारे में लिखा, और गुरुबानी जो है वो किस तरीके से कंपोज की गई, इन सारी चीज़ों के बारे में कल हम पढ़ेंगे। आपका होमवर्क ये है कि आपने ये सारी चीज़ें पढ़नी हैं जो भी आज पढ़ाई हैं, और अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो फिगर आउट करके रखनी है। ठीक है, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।